मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। नई दिल्ली का खतरनाक प्रदूषण, गाजियाबाद में उद्योग बंद, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जानकारी। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली के 10 इलाके देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों में शामिल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 से लेकर 450 तक है। मंगलवार की सुबह दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा 454 रिकॉर्ड में किया गया। इसके साथ ही पीएमजीए ने पाइड प्राकृतिक गैस को नहीं अपनाने पर 113 उद्योग को बंद करने का निर्देश दिया गया। प्रदूषित देश यह भी है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 रहा, जबकि मंगलवार को 430 पर था। कानपुर और दूसरे लखनऊ तीसरे नंबर पर है। हालांकि गाजियाबाद प्रशासक ने 10 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा रखी है। सोमवार को 12 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जुर्माना भी लगाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की यह रिपोर्ट चौंकाने देने वाली है। 2016 में भारत में 5 साल से कम उम्र के करीब 1,00,000 बच्चों की जहरीली हवा के बहाव के आने से मौत हो गई है। इसमें बताया गया कि निम्न एवं मध्यम आर्य वर्ग के देशों में 5 साल से कम उम्र के 98% बच्चे 2016 में हवा में मौजूद महीन कण पीएम से होने वाले वायु प्रदूषण के शिकार हुए। एमएनएस न्यूज में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस निया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।